बट रहा और तो अच्छा बट रहा है। किस किस में बट रहा है? माजी दिल्ली पर, इमरान मसूद पर। तो वोट यहाँ बटेगा और यहाँ लगन पाल में फायदा होगा। ओहो, तो खेल हो जाएगा। हमें लगन पाल के समर्थित है। अच्छा, तो ये तो बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, समस्या है, महंगाई है। पढ़ लिखा होगा तो रोजगार मिलेगा जी, पढ़े लिखे नहीं क्या? तो पढ़े लिखे हैं, बोल रहे ग्रेजुएट तो पढ़ लिख रहा हूँ, रोजगार मिलेगा जी। अच्छा, आप कब से बीजेपी को पसंद करने लगे? जो अभी अभी ऐसा क्या हुआ? हमारी समझ में कैंडिडेट आया, हाँ, सर्व समाज का कैंडिडेट है, बढ़िया आदमी है। और मोदी कैसा आदमी है? मोदी बढ़िया आदमी है। लोग तो कहते हैं कि मुसलमान और बीजेपी की कभी बनी नहीं सकती। गलत है। गलत गलत, ये तो जो छोटे मोटे एंकर है ना, ये मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक साथ खा रहे पी रहे रे रहे से रहे। कल यहाँ कल ईद थी ना, हरी प्रधान के यहाँ कम से कम 400 हिंदू आए ईद पे, ईद मिलन पे। हाँ। तो क्या हिंदू मुस्लिम है? हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो बोल रहे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गलत 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 है सब, कोई मुसलमान टारगेट नहीं होता। आप लोग क्या ये मानते हैं कि भाई भाई मैं झंडा दिखाओगे नहीं तब भी आऊंगी, यहाँ भी आऊंगी, वहाँ भी आऊंगी, मैं सबकी बात सुन। अरे यहाँ आई थी रही, भाईजान ले जा रहे सारा, मैं आ रही हूँ। क्या नाम है आप? सलमान पवार। सलमान पवार। सलमान पवार जी, मुस्लिम गुर्जर समाज से हूँ मैं। आप अच्छे ईमानदार पत्रकार हूँ, केराना लोकसभा से हूँ मैं। केराने की तस्वीर बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका मान सम्मान। इससे अच्छी सरकार आज तक सरकार नहीं। बोले भाई इससे अच्छी सरकार जो है, अरे अभी अभी आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा, प्रधान गांव चहलोली। अरे प्रधान है आप जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार कौन आ रहे हैं आप? प्लस वोट वाला। प्लस 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 चलेगा। प्लस कैसे चलेगा? प्लस ऐसे चलेगा जैसे पहले तीन बार चला, मंसूर अली खान साहब चले, फिर जगदीश सिंह राणा जी चले, फिर हमारे अभी जो हाजी फजलुर रहमान साहब चले, और इस बार तो इतनी बड़ी बिरादरी को टिकट हुआ इंशाल्लाह। 85% पिछड़े को हुआ और गाढ़ा बिरादरी को टिकट हुआ इस बार, तो ऐतिहासिक। हाजी साहब को क्यों टिकट नहीं मिला, क्यों कट गया टिकट? वो तो ठहरी ठहरी, वो तो हाजी जी बता सकते हैं या बहन जी बताएंगी। हमें तो आप अपने बारे में पूछो। नहीं, पर मौजूदा सांसद है, इतना बढ़िया काम हुआ है, तो टिकट उनको क्यों ना मिला? ये तो बीएसपी है, फिर कभी मौका मिल जाएगा। परिवार है, पार्टी एक परिवार होता है। अब एक मिनट बोल रहे थे मुझे अब तो रहमान, पार्टी एक परिवार हो, परिवार फिर कभी मौका मिलेगा तो माजिद अली जी जीत जाएंगे। एक तरफा ऐतिहासिक जीत होगी इस बार भाई। भाईजान बोल रहे हैं माजिद अली इस बार जीत जाएंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। इफ्तिखार भाई, आप चाहते हो कि बीजेपी आपको टिकट दे, मुसलमानों को, है ना, मुसलमानों को टिकट दे, लेकिन आप उनको वोट ना करें। हर बार आप लेते ही रहेंगे उनसे, विनेबिलिटी भी तो देखेगी ना, मतलब हमारा तो शुरुआत साझा होगा, पार्टी में साझा होगा। कांग्रेस को और भी इसको भाजपा बहुजन को वोट दे तो है, एक नाला दिया वो भी कैंसिल हो गया, आज तक कुछ दिया ही नहीं। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हो गए, पेपर लीक। यहाँ बसपा के एक सांसद साहब मौजूदा, 5 साल में एक नाला आया वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ कांग्रेस की रोजगार गारंटी है, पेपर लीक नहीं होगा और 18 लाख लोगों को रोजगार देगी। और बीजेपी सरकार ने पानी की तंगी दे रखी है, किसानों का कला का उठ उसे मिलेगी और गठबंधन करते हैं। वक्त की कमी है, लेकिन आप सब वोट देने जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे ना, आप भी जाइएगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब अगला जो आपको इलाका है जल्द दिखेगा न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, देखना मत भूलिए, मोदी वतन मुसलमान, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।